अपनी खिचड़ी मत पकाओ, मेरे खाने की खिचड़ी पकाओ, मुझे भूख लगी है। हाँ मैं चेक कर दूँ खिचड़ी रेडी हो गई होगी। तब तक मैं अपनी नानी माँ के साथ खेल। क्या करूँ मैं आपका, आपको तो धोती में चलना भी नहीं आता। अरे यार तो क्या करूँ मैं, चलना कैसे आएगा जब मैंने कभी धोती पहनी नहीं तो। अरे बुद्धू चलना बाद में, ठीक से धोती तो बांध लो वरना फिर गिरोगे मिस्टर रॉकस्टार। अरे ठीक से ही तो बांध रहा हूँ यार, देखो ऐसे पहले ये किया, इसके बाद ये पीछे ये और ये सामने और ये एक और बार और ये बांध दिया यहाँ। ऐसे बांधते हैं? हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं। अरे तो क्या करूं यार, मुझे नहीं आता ये लूंगी बांधना, ये धोती जो भी है। मम्मा इनको सिखाओ ना वरना ये ऐसे ही गिरते रहेंगे। बच्चा ये बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं है, अब नहीं गिरेंगे। अभी गिरे थे तो बच्चे थे, तभी तो बड़े थे ना, सिखाओ ना इनको प्लीज। रूही ये ऐसे ही है, इनका हर चीज में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी स्टोर रूम में थे ना तब मैं इनका ध्यान रखती थी, खाना खिलाती थी, बिस्तर भी लगाती थी, कपड़े भी लाती थी। सच में मैं रानी माँ बन गई थी इनकी, ये सच में छोटे बच्चे ही है, क्यूटी पाई। तो अब इनका ध्यान रखो ना प्लीज, मम्मा बांधो इनकी धोती। झूठ क्यों बोला तुमने? क्या यही कि तुम्हें धोती बांधनी नहीं आती, सिखाई थी ना मैंने? पांच साल हो गए प्रिशा, 5 साल में बहुत कुछ बदल गया, भुला दिया मैंने बहुत कुछ, वो भी जो तुमने सिखाया था, लेकिन तुम तो रिश्ते बांधना भी भूल गई। बन गई, आगे से ऐसे ही बन, कभी नहीं गिरोगे। थैंक यू वेंकटेशा, आपने कार खराब कर दी, इसलिए तो हम तीनों साथ हैं अब, और अब तो दोनों बात भी कर रहे हैं। लव यू वेंकटेशा।